जम्मू कश्मीर के राजौरी के डांगरी गांव में आतंकियों ने हमला करके 5 लोगों की जान ले ली। इस घटना को लेकर हर तरह रोष की लहर दिखाई दे रही है। राजनीतिक हस्तियां अपनी अपनी तरह से इसकी निंदा कर रही हैं और इस घटना के लिए जो जिम्मेदार है उसको अंजाम तक पहुंचाने की मांग हो रही है। इस घटना पर पीटीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी प्रतिक्रिया दी है। ये तो है ही, जम्मू कश्मीर जगह ही ऐसी है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध सब सदियों से इकट्ठे रहते आए हैं और हमारा हिंदुस्तान के साथ इलाक की बुनियाद भी यही है कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क बना। गांधी जी जवाहरलाल नेहरू ने इसको एक सेक्युलर मुल्क बनाया। अब ये और बात है कि इसको गोडसे का मुल्क बनाया जा रहा है और इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं जहाँ यहाँ तो मुसलमान तो रोज़ ही मरते हैं पर जहाँ हमारे हिंदू भाई मारे जाते हैं उसका फ़ायदा एक खसूसी जमात पूरे मुल्क में उठाती है। हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने में उनके ये बहुत ही काम आते हैं इस किस्म के वाक़यात। इसमें हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव एक जमात चलाती है जिनको इसका फ़ायदा होता है, जिनको इस किस्म की हलाकतों से जो है पूरे मुल्क में नफरत फैलाने का और एक मौका मिलता है और ये बहुत बहुत अफसोस की बात है। देखिए बहुत ही दिलदोज वाकया है जिसमें हमारे फिर से एक बार 5 लोग जिसमें एक छोटा 5 साल का बच्चा भी है इस तरह से वो मारा गया और इस वक्त हम क्या कह सकते हैं, इसकी हम मजम्मत करते हैं और साथ ही क्या कहें, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि जो उनके घर वाले हैं उनके साथ हम हमदर्दी करना चाहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं उनको सब्र व तहम्मुल दे अल्लाह ताला इसको बर्दाश्त करने की। ये हमारा ही नुकसान है, जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान है। जब भी कोई जम्मू कश्मीर का बाशिंदा मारा जाता है चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो वो हमारा बाशिंदा है तो इसमें क्या करें, अफसोस के बगैर और क्या कर सकते हैं। हमको तो पिछले 30 साल से यही देख रहे हैं, इधर भी बंदूक इधर भी बंदूक, बीच में लोग मारे जा रहे हैं।